हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अपहरणकर्ता गिरोह सक्रिय है, जिसने आज फिर एक लड़के का अपहरण करने की नाकाम कोशिश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के जंगल दफ्तर के पास मंदिर के सामने रहने वाले शिव नारायण सोनी पुत्र शंभू प्रसाद सोनी के पुत्र की अपहरण करने की नाकाम कोशिश की गई। घटना उस समय की है जब पीड़ित का पुत्र हार्दिक अपनी बहन मोनिका के साथ राजा देवी डिग्री कॉलेज से वापस लौट रहे थे। तभी कालीचरण निगम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नरेनी रोड के पास एक सफेद रंग की कार जो बांदा से नरेनी की ओर जा रही थी, कार सवार ने स्कूटी के आगे कार लगा दी। कार से दो अपरिचित आदमी उतरकर उन लोगों को प्रसाद कहकर लड्डू देने लगे। पीड़ित की बेटी ने लड्डू लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उन लोगों द्वारा जबरन लड्डू दे दिया गया और खाने को कहा गया। लड्डू खाने से इनकार करने पर उन लोगों द्वारा मारने की धमकी भी दी गई। धमकी देने पर पीड़ित के पुत्र ने डर के कारण लड्डू खा लिया। उसी समय कार सवार लोग पीड़ित के पुत्र हार्दिक को कार में बैठाने लगे, जिस पर पीड़ित की बेटी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे वह लोग भाग निकले। उसके कुछ समय बाद हार्दिक बेहोश होकर गिर गया, जिसको पीड़ित की बेटी ने संभाला। पीड़ित के बेटे का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पीड़ित ने शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच व कानूनी कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। फोर व्हीलर हमारी गाड़ी के सामने खड़ी कर दी गई है और हम लोग को मिठाई जबरदस्ती खिलाई गई है और हमको गाड़ी में लिए जा रहे थे और दीदी को भी दिया था, कहते खाओ जल्दी खाओ नहीं मारेंगे, तो हमने खा लिया और दीदी ने थोड़ा सा खाया और बाकी फेंक दिया। तो और बीच फिर बाद में कोई अंकल लोग आ गए तो वो लोग फिर चले गए गाड़ी। अच्छा, क्या नाम है लड़के को जानते हो? वो बोल रहे थे मासा इसको ले चले, तो वो कह रही थी हाँ ले चलो इसको। लड़के का नाम जानते हो? हम लोग ये राजा देवी डिग्री कॉलेज गए थे बुक इशू करवाने, वहाँ से वापस आ रहे थे ये नवाब टैंक के पास, कुछ लोग आए गाड़ी हम लोग की स्कूटी के सामने खड़ी कर दी, हमने रोका, रोकने के बाद प्रसाद देने लगे, हमने कहा आप लोग है कौन, हम लोग क्यों खाएं, कहते हैं खाओ, जबरदस्ती खिलाने लगे इसको, हमको दिया, हमने थोड़ी खाया बाकी फेंक दिया, इसको जबरदस्ती खिलाने लगे। एक अंकल थे तो कहते हैं इसको खिला दिया, कहते हैं मासा इसको मतलब यहीं छोड़ दें कि ले चले, वो कह रहे हैं ले चलो इसको। फिर मतलब काफ़ी लोग आ जा रहे थे, हमने इससे कहा काइस बैठो जल्दी से, तो ये बैठा कुछ दूर गए से चक्कर आने लगा, फिर हमने स्कूटी खड़ी की तो गिर गया, बेहोश हो गया, फिर कुछ अंकल आए मतलब लेके आए। हम घर में थे, हमारे घर में जब थे तो यहाँ से फोन लिया है, तो फोन से बताया गया कि बच्चे आपके मेडिकल में भर्ती है। हमने कहा क्या हो गया, कहा आप जल्दी आइए, कुछ कुछ खिला दिया है। तब हम आए तो यहाँ पे हमारा लड़का बिल्कुल बेहोश पड़ा था, कोई होश नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद उसे होश आया, होश आने के बाद जो है वो पलटी गया, खून की भी पलटी गया है। अब ये पता नहीं किसने कैसे खिलाया, अब हमें ये नहीं मालूम है। जानते हैं उनमें से किसी को आपके बच्चे? मतलब जानते तो नहीं है, मतलब लोगों को नहीं, मतलब ये है कि बच्चे हमारे बता रहे हैं कि जो है पाँच छह लोग थे। प्रांतीय आह्वान में लिए गए निर्णय के अनुसार बुधवार को उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने अपनी 24 सूत्री मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट में तालाबंदी की और अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। बता दें कि कलेक्ट्रेट कर्मियों की इस हड़ताल के चलते दिनभर सरकारी कामकाज बाधित रहा। इसी तरह जनपद की सभी तहसीलों में कामकाज न होने से जनता को बैरंग लौटना पड़ा। प्रदेश कार्यकारिणी कलेक्ट्रेट मिनिस्टर कर्मचारी संघ द्वारा शासन से 24 सूत्रीय मांगे कही गई थी, परंतु काफी लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी शासन द्वारा उन मांगों पर विचार नहीं किया गया। इस कारण प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा समस्त जनपदों में आज 21/7/2019 को तालाबंदी और गेट मीटिंग करने का आह्वान किया गया है। उसी के दृष्टिगत हम लोगों द्वारा यहाँ कार्य बहिष्कार एक दिवस की और गेट बंदी का कार्यक्रम किया था। तो सारे कार्यालयों में ताला लगा करके कार्य बहिष्कार किया गया है? जी हाँ, इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जो ज्ञापन तैयार किया है वो जिलाधिकारी महोदय को हमने दे दिया और आज एक दिवसीय प्रदर्शन रहेगा, पूर्व की भांति कार्य।
मध्य प्रदेश सरकार में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कदम रखा है तब से गरीब लोगों की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जी हां, बात करते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र की। यही वो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार है जिसने लोगों से वादे करके अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनाई है। गरीब लोगों के बिजली के बिल इतने तेज आ रहे हैं कि जिस घर में एक या दो एलईडी बल्ब जल रहे हैं उनका भी 2 से 3 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा है। एक तरफ जहां गरीब खाने का निवाला बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, वहीं पर कमलनाथ सरकार उन पर कर्ज का बोझ डाल रही है। साहब, याद कीजिए वह दिन जब आपकी सरकार नहीं थी और आपने बड़े बड़े वादे किए, लोगों ने आप पर भरोसा जताकर आपको सरकार में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बिजली बिल हाफ का आपने वादा किया था लेकिन हाफ ना कर फुल से भी ज्यादा आ रहा है। उस गरीब ने ऐसा क्या जला दिया, न उसके पास कूलर है न पंखे हैं, सिर्फ घर में एक या दो एलईडी बल्ब हैं, जिसका बिजली का बिल 2300 रुपए आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे तो अच्छी मामा शिवराज सिंह चौहान की ही सरकार थी। जब इस संबंध में संबंधित अधिकारी कनिष्ठ अभियंता गढ़ाकोटा से बात की गई तो उनका कहना था कि मैं अभी रीडिंग चेक करवाता हूं, जिसने भी ये रीडिंग की है उसको मैं नौकरी से निकलवा दूंगा। बिल में मिस्टेक ये है कि अभी पहले आता था 200-250, अब लेकिन 1000 रुपए आया। समझ में यही कहना चाहते हैं कि भाई हमारा बिल का सुधार हो और जितनी रीडिंग हो उतना बिल आए तो उतना तो हम भर सकते हैं, बाकी ज्यादा आ गया तो हम थोड़ी उसमें भर पाए। आप कितनी खपत कर लेते हो बिजली की, क्या क्या उपयोग है तुम्हारे घर में, क्या क्या उपयोग करते हो घर में? CFL पंखा है, क्या CFL? एक पंखी है। अच्छा, और एक टीवी चला। बस कितनी खपत है? एक कमरा है। संबल कार्ड जुड़ा है? करवा ले सर, संबल कार्ड भी जुड़ा है। संबल कार्ड भी जुड़ो, फिर भी इतना बिल। देखिए, ये तो कमलनाथ सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 200 रुपए में अनलिमिटेड बिजली गरीबों को देने का निश्चय हुआ था। कमलनाथ जी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि हम 200 में नहीं 100 रुपए में बिजली देंगे, लेकिन इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में एक स्टार बना होता है पीछे, उसमें लिखा होता है नियम एवं शर्तें लागू। कमलनाथ सरकार की जितनी घोषणाएं हैं उनमें सारे नियम और शर्तें लागू हैं। जैसा कि रिकॉर्ड देखा मैंने कनेक्शन का, तो ये मीटर 28.5 में बदले गए थे, तो ये मई जून के बीच में है। इसकी खपत वो सभी की 50 यूनिट लेट की गई है, ये गलत है, क्योंकि 29.7 में जो रीडिंग आ रही है ये 2 महीने की होती है। इन 2 महीने में जब रीडिंग का आकलन किया जाता है तो वो ठीक पाई जा रही है, मीटर ठीक है। अभी वर्तमान रीडिंग के हिसाब से ये एक्युमुलेशन ऑफ रीडिंग का केस हो गया है, इसमें किस्त प्रदान की जाए। और सर, जो रीडर ने ये रीडिंग की है उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाए, उस पर जो उससे सुपरवाइजर से मांगा जाएगा।